नमस्कार साथियों, अचीवर्स एकेडमी के बेहतरीन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एस्टेट पीजीटी का कॉमन मैथ सेक्शन, जो आज 2 दिसंबर 2023 को इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, वो क्वेश्चन हमने जो अभी लास्ट कंप्लीट मैथ का रिविजन किया है, उसमें से एज इट इज आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने पहले मैथ रामबाण क्लास पढ़ाई है उसमें से आए हैं, और एक आध क्वेश्चन ऐसा भी है जो वाकई में एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन थे आप क्लास को जरूर देखिएगा, ताकि आपको पता लगे कि जो कल हमारा एग्जाम होना है मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में टीजीटी का और पीआरटी का, उसमें किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। घबराना नहीं है, बिल्कुल पेशेंस से पेपर करना है आपने। कुछ बातें मैं आपको बता दूं जो आपने याद रखनी है। पहली बात तो, जब आप कल एग्जाम देने जाएंगे तो आपके पास सेंटर कॉपी और कैंडिडेट कॉपी, एडमिट कार्ड की ये कलर्ड फोटो को आपके पास होनी चाहिए, कलर्ड होना चाहिए, ध्यान रखना एडमिट कार्ड। इसके अलावा आपको ब्लैक बॉल पेन लेके जाना है साथ में, जिससे आप ओएमआर शीट को फिल करेंगे। ठीक है, कुछ बच्चे देखा मैंने कि ब्लू पेन लेके भी गए थे, तो ब्लू नहीं लेके जाना, ब्लैक बॉल पेन लेके जाना है, जेल पेन भी नहीं लेना। इसके अलावा जब आप जाएंगे तो आपका जो रोल नंबर है वो अटेस्टेड होना चाहिए। कुछ सेंटर पे उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे कि नहीं भाई, पहले इसको अटेस्टेड करवा के लाओ, तो ध्यान रखना उसको अटेस्टेड जरूर करवा लें। ठीक है, तो अटेस्टेड होना चाहिए आपका रोल नंबर। इसके अलावा जब पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे जब बाहर आए तो कह रहे थे यार ये छूट गया वो छूट गया, तो क्यों छूटा वो? रीजन बिंग क्या कि आप टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर पेपर नहीं करेंगे तो आपका एग्जाम रह जाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट क्या, हर सेक्शन के लिए टाइम अलॉट करना, जैसे 20 से 25 मिनट आपने किसको देने हैं, साइकोलॉजी सेक्शन को देने हैं, 20 से 25 मिनट आपने जो है इंग्लिश और हिंदी वाले सेक्शन को देने हैं, तो 25-25-50 मिनट हो गए, और आधा घंटा देना है आपने जो सेक्शन जिसमें मैथ आता है, रीजनिंग आता है और हरियाणा जीके, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा सोल्व करना पड़ता है, तो आधा घंटा वहां देंगे, तो 50 और हमारे 30-80 मिनट हो गए, बचे आपके 70 मिनट, क्योंकि 150 मिनट का आपका एग्जाम है, यानी कि ढाई घंटे का एग्जाम है, तो बचे हुए 70 मिनट में आपने अपना सब्जेक्ट करना है 60 मिनट में, और जो बाकी के 10 मिनट बचेंगे उसको आपने यूटिलाइज करना है, कि जो क्वेश्चन रह गए ठीक है उनको मार्क कर लेना कि ये रह गए हमारे, उनको फिर आपने बाद में देखना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट से अगर आप चलोगे तो पेपर पूरा होगा। दूसरी बात, एक सेक्शन करने के बाद, जैसे साइकोलॉजी पूरा सेक्शन कर लिया, फिर उसको फिल करना है साथ के साथ ओएमआर में, इसी तरह से इंग्लिश हिंदी का सेक्शन करके फिल करना है। ठीक है, और इनकेस अगर टाइम कम रह जाता है तो फिर क्या करना, एक पेज पूरा आपने सोल्व कर लिया, आंसर टिक कर दिया, फिर उसको ओएमआर में साथ के साथ भर देना। नहीं तो क्या होगा, पेपर पूरा हो चुका होगा लेकिन जब लास्ट टाइम होगा हड़बड़ाहट में कुछ तो गलत भरे जाएंगे और कुछ जो है वो भरे ही नहीं जाएंगे, इधर उधर जो है आप गड़बड़ कर सकते हैं, तो इसलिए इन बातों को ध्यान रखना अगर आपने पेपर सही करना है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रख के चले, और घड़ी सामने लगी होगी तो टाइम जैसे मैंने बताया वैसे मैनेज करके चलना। ठीक है, तो फिर पेपर में दिक्कत नहीं आएगी, और ऐसा मत करना एक सोल्व किया साथ के साथ भरने लग गए, उससे माइंड डाइवर्ट हो जाता है। ठीक है, आप या तो एक पूरा पेज कर लें, पूरे पेज के क्वेश्चन कर लें और फिर उन सबको एक ही बार में भर दें, या पूरा एक सेक्शन पूरा करके फिर उसको भर सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, एक नाव 20 किलोमीटर दूरी को धारा की दिशा में एक घंटे में तथा उसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में दो घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? अ बोट गोस 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 1 आवर एंड द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 2 आवर, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वॉटर इज। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या पूछा है, चाल पूछी है। मैंने क्या समझाया था, जो पूछे उसका फार्मूला लिखो, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, चाल होती है दूरी बटे में समय। ठीक है, तो एक नाव ने 20 किलोमीटर दूरी तय की धारा की दिशा में, और कितना समय लगा, एक घंटा, तो दूरी होगी 20 किलोमीटर, समय हो गया एक घंटा। ठीक है, और जब कोई नाव पानी के बहाव के साथ जाती है, जब कोई नाव पानी के बहाव के साथ जाती है तो स्पीड क्या होती है, एक्स प्लस वाई, यानी कि नाव की स्पीड और पानी की स्पीड दोनों प्लस हो जाती है। क्लियर है, फिर कह रहा है उसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में दो घंटे में तय करती है, तो उसी दूरी को यानी कि 20 किलोमीटर को दो घंटे में तय करती है धारा के विपरीत, और जब धारा के विपरीत अगर नाव आती है तो नाव की और पानी की दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है।
ठीक है, इसको सोल्व करेंगे ये 20 आएगा, इसको सोल्व करेंगे ये कट के 10 आएगा। ठीक है, तो अब आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई, एक इक्वेशन है x माइनस वाई। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है शांत जल में नाव की चाल, तो नाव की चाल यानी कि आपसे x की वैल्यू पूछी जा रही है। तो अगर मैथमेटिक्स में कहीं भी दो इक्वेशन ऐसे दिखे तो मैंने बताया था x की वैल्यू के लिए दोनों को प्लस करें और दो से डिवाइड कर दें, तो 30/2 15 किलोमीटर प्रति घंटा ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, y पूछता तो y के लिए दोनों को माइनस कर दें और दो से डिवाइड कर दें तो फिर वो 5 आ जाएगा। क्लियर है यहां तक, ये बात समझ में आई? तो ये आपने करना था, तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 15 किलोमीटर पर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है कल की क्लास में एज इट इज नहीं करवाया था मैंने कि 15 व्यक्तियों के समूह में 7 व्यक्ति हिंदी एवं 8 व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 3 व्यक्ति इन दोनों में से किसी को भी नहीं पढ़ते हैं, तो इनमें से कितने व्यक्ति हिंदी व अंग्रेजी दोनों को पढ़ते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 15 पीपल 7 रीड हिंदी 8 रीड इंग्लिश व्हाइल 3 ऑफ देम रीड नन ऑफ दिस टू, हाउ मेनी ऑफ देम रीड हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तो ये तो करना ही नहीं चाहिए, आपको सीधा आंसर लगाना चाहिए, फिर भी मैं समझा देता हूं जिसने पिछली क्लास नहीं देखी थी कि टोटल बंदे हैं 15। इन 15 व्यक्तियों में से 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी भी भाषा को नहीं पढ़ते, किसी को भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना, हिंदी को ना इंग्लिश को। तो 3 निकाल दें तो कितने बचे, 12 बंदे। अब हमारे पास बच गए टोटल 12 बंदे। इन 12 बंदों में से हमने पूछा हिंदी कितने व्यक्ति हैं जो पढ़ते हैं, तो हिंदी पढ़ने वाले कितने व्यक्ति थे, 7 थे। फिर हमने पूछा कि इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं, ठीक है, तो इंग्लिश पढ़ने वाले कितने थे, 8। तो टोटल कितने हो गए, 15। ये टोटल हो गए 15, जबकि बंदे बचे हैं 12 जो पढ़ने वाले हैं। तो यहां पे ये जो 3 एक्स्ट्रा हुए, ये 3 एक्स्ट्रा क्यों हुए, क्योंकि इसमें से ये 3 बंदे ऐसे थे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ना जानते थे। ठीक है, तो ये आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है। तो ये पूछ रहा था इनमें से कितने व्यक्ति हिंदी व अंग्रेजी दोनों को पढ़ते हैं, जब वो दोनों को पढ़ते हैं तभी तो ये टोटल हमारा जो है प्लस हो गया, ज्यादा बढ़ गया। ठीक है ना, 12 की बजाय ये 15 हो गया। तो 3 बंदे ऐसे थे जो दोनों लैंग्वेज पढ़ते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर, पॉलीगन से रिलेटेड है क्वेश्चन। एक नियमित बहुभुज में आंतरिक कोण एवं बाह्य कोण का अनुपात 7:2 है, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी। द रेशियो ऑफ एन इंटीरियर एंगल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन इज 7:2। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन इज, पॉलीगन का टॉपिक पढ़ाया था ना मैंने मैथ रामबाण क्लास में, और ये क्वेश्चन पॉलीगन का मैंने कहा था जरूर आएगा ये क्वेश्चन पॉलीगन में। तो तुम मुझे बताओ इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का टोटल कितना होता है, 180 होता है, बताया था मैंने, है ना। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो रेशियो है वो कितना है, 7:2, यानी कि 7+2 की वैल्यू आपको 180 दे रखी है। तो 9 अगर 180 के बराबर है तो 1 किसके बराबर आएगा, 180 सीधा लिख दूं, सीधा ही काट दिया मैंने, 20 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, आप इसको रेशियो में ऐसे लिखते हो ना, ऐसे कोई लिखने की जरूरत नहीं है, एक्स की वैल्यू आएगी सीधा ही। देखो यार, 7 हिस्से ये, 2 हिस्से ये, तो 9 हिस्से में अगर मैं 180 को डिवाइड करता हूं, 180 को अगर मैं 9 हिस्सों में डिवाइड करता हूं तो एक हिस्से की वैल्यू आएगी 20, और ये निकाल लूंगा मैं 20 × 40। ठीक है, तो मैं एक्सटीरियर एंगल निकाल लूंगा यहां से। ठीक है, एक्सटीरियर क्यों निकाला, क्योंकि मुझे पता है नंबर ऑफ साइड कैसे मिलती है मुझे, जब मैं 360 को इस एक एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देता हूं। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 9, और ये फॉर्मूले मैंने लिखवा रखे हैं सारे। ठीक है, क्लियर, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आएंगी, 9। क्लियर है यहां तक, तो x 20 आ गया, तो 20 × 40 ये बनेगा हमारा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, मुंहजुबानी हो सकता था क्वेश्चन। इसी के साथ अगला क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड। नल ए द्वारा एक टैंक को अकेले 8 घंटे में, नल बी द्वारा इसी टैंक को अकेले 6 घंटे में भरा जा सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ 2 घंटे के लिए खोलने के पश्चात नल ए को बंद कर दिया जाए तो नल बी द्वारा बचा टैंक कब भर जाएगा। क्यों भाई, करवाया था ना ये टाइप। ठीक है, कि पाइप ए अलोन कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर्स, पाइप बी अलोन कैन फिल इट इन 6 आवर इफ बोथ द पाइप आर ओपनड एंड आफ्टर 2 आवर पाइप ए इज क्लोज्ड, देन पाइप बी विल फिल द टैंक इन। तो अब मुझे बताओ, ए ने लिए 8 घंटे, बी ने लिए 6 घंटे, सबसे पहले एलसीएम ले लो, बताया था ना एलसीएम, तो 8 × 1 = 8 इसमें नहीं आता, 8 × 2 = 16 नहीं आता, 8 × 3 = 24 दोनों के टेबल में आ रहा है, तो 8 से डिवाइड लगा दो 3 पे, 6 से डिवाइड लगा दो 4 पे। क्लियर है, इसको चलाएंगे 1 घंटे में कितना भरेगा, 3 लीटर, इसको चलाएंगे 1 घंटे में भरेगा 4 लीटर।
तो मुझे बताओ, उसने बोला यदि दोनों नलों को 2 घंटे के लिए खोल दिया जाए तो तुम मुझे बताओ दोनों 2 घंटे में कितना भर देंगे। 1 घंटे में 3 और 4 7 भरते हैं, तो 2 घंटे में कितना भर देंगे, 14। क्लियर है? ए और बी 1 घंटे में 3 और 4 7 भरते हैं, तो 2 घंटे में भरेंगे 14। भरना कितना था 24, 14 भर गया, बचा कितना 10। ये 10 जो रह गया इसे अब किससे भरवाना है, बी से। मैं देखो लिखा है कि 2 घंटे खोलने के पश्चात नल ए को बंद कर दिया, तो नल बी द्वारा बचा टैंक कब भरेगा, तो बी ने भरना है बचा टैंक कितने लीटर, 10 लीटर। 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, 4 लीटर, तो 2 × 4 = 2 × 5 = 10, 5/2 का मतलब 2.5 घंटे। ठीक है, तो 2.5 घंटे लगेंगे किसको, बी को, बचे हुए टंकी को भरने में। तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 में लिखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, आपको बता दें सिलेबस के अंदर मेंशन किया हुआ था ग्राफ ऑफ लाइंस, ये उसका क्वेश्चन भी दिया है। तो जो मेंशन किया है उसी में से दिया है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। कभी आप कहो कि ये नहीं आना चाहिए था क्वेश्चन, ये सिलेबस का ही क्वेश्चन है। एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा 4x + 3y = 12 द्वारा निर्मित त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रेंगल मेड बाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड 4x + 3y = 12 इच। अब देखो यहां पे एक्स एक्स और वाई एक्स क्या होते हैं, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होते हैं ना, ये होता है ओरिजन 0 0। यहां पे 1 2 3 4 5 ये एक्स एक्सिस होते हैं, जिसको हिंदी वाले एक्स एक्स बोलते हैं। इधर 1 2 3 4, इधर ये क्या होता है, दिस इज वाई एक्सिस, इसको वाई एक्स बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, -1 -2 -3, इधर नेगेटिव वाई एक्सिस होते हैं। ठीक है, ये इस तरह से होता है। क्लियर? तो अब मुझे बताओ यहां पे उसने बोला है एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष और ये वाली लाइन, इससे एक त्रिभुज बनाना है। तो त्रिभुज अब बनेगा कैसे, ध्यान से सुनना मेरी बात। आपके पास जो इक्वेशन लाइन की दी रखी है 4x + 3y = 12, एक बार तो आप एक्स को जीरो पुट कर दो, जैसे एक्स को जीरो पुट करूंगा ये पूरा जीरो हो जाएगा, और 3y 12 के बराबर आ गए तो y की वैल्यू आएगी 3 से कट कर दो 4। क्या ये बात समझ में, फिर से एक बार y को जीरो पुट कर दो, एक बार y को जीरो पुट करूंगा ये जीरो हो जाएगा, 4x 12 के बराबर, तो x किसके बराबर आएगा, 12/4 यानी कि 3 के बराबर। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई जिन्हें ग्राफ पे प्लॉट करना है। अगर x 0 है तो y की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 0 तो y 4 कहां होगा, यहां पे। इस लाइन पे y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 होती है, ध्यान रखना इस लाइन पे, ये y वाली लाइन है ना, तो इस पे x की वैल्यू 0 होती है, ये x वाली लाइन है इस पे y की वैल्यू 0 होती है। तो अगर मैं y को 0 ले लूं, x को 3 लेना पड़ेगा, तो ये वाला पॉइंट जो है यहां पे, ये पॉइंट है x 3 y 0, ऐसे लिखते हैं पॉइंट्स को, ये x 3 y 0, और ये वाला पॉइंट क्या है, x 0 y 4। ठीक है, तो ये हमने बना दिया इस तरीके से। क्लियर है, तो ये बन गया हमारा ट्रायंगल x एक्सिस के साथ और y एक्सिस के साथ। तो यहां पे पूछ रहा था बाह्य वृत्त की त्रिज्या, यानी कि अब यहां से मैं अगर एक वृत्त बनाऊं ऐसे ट्रायंगल के बाहर की ओर, तो इस वृत्त का रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस कितना होगा, याद करो मैंने तुम्हें कंसेप्ट सिखाया था रामबाण में, मैथ रामबाण क्लास, वैसे ही नहीं रामबाण थी वो, वाकई में रामबाण थी, वहां पे मैंने तुम्हें सेंटर ऑफ ट्रायंगल बताए थे ना। तो सेंटर ऑफ ट्रायंगल में मैंने कहा था जब ऐसे हमारे ट्रायंगल है राइट एंगल, तो यहां पे जो हाइपोटेन्यूज होगा उसका हाफ कर देंगे तो वो रेडियस आ जाएगा इसका, हाइपोटेन्यूज का हाफ कर देंगे। अब हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा, ये साइड कितनी है 3, ये साइड कितनी है 4, क्यों भाई कैसे पता लग रहा है, अरे भाई यहां से यहां तक ये 4 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक ये 3 सेंटीमीटर है, तो 3 4 5 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, तो ये 3 ये 4, तो ये 5 आ गई, तो रेडियस कितना आएगा, 5 का आधा यानी कि 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 इकाई सेंटीमीटर, मीटर की जगह यहां पे यूनिट वर्ड का इस्तेमाल किया गया, तो 2.5 इकाई, इकाई का मतलब मीटर सेंटीमीटर व्हाट एवर इट बी। तो ये कंसेप्ट आपको मैंने बताया था, सिखाया था, राइट एंगल ट्रायंगल के ट्रिपलेट बताए थे, जिसको नहीं याद वो ऐसे करेगा, फिर 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर = सबसे बड़ी साइड, सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज, ठीक है, इसका हाफ कर देंगे याद आएगा। क्लियर, तो पढ़ाया हुआ तो आया है, ऐसी बात नहीं कि पढ़ाया हुआ नहीं आया। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15
15463 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 160 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडिड टू 15463 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 107। दो तरह के क्वेश्चन यहां बन सकते हैं। 15463 ये था ना, इसको डिवाइड करना है 107 से। 107 से डिवाइड करूंगा तो कितने पे चलेगा, एक पे चलेगा। 107 से एक पे चला, 7 7 14 चार, फिर उतारा 6, फिर कितने पे चला, 4 पे। ठीक है, कितना बचा, 8 8 16, 2 और 4 6। ठीक है, फिर उतारा 3, इससे उतारा 3 तो कितने पे चला, 4 पे। 4 7 28, 4 एकम 4, 8 और 5 13, 2 और 5 7। ठीक है, अब आपको बता दूं यहां पे 55 आंसर दिख रहा है, ऑप्शन में भी लिखा हुआ, कुछ बच्चे टिक करके आएंगे। जब भी पूछे इसमें से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए, कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो जब भी घटाई जाए की बात पूछेगा तो ये रिमाइंडर जो बचेगा इसको डिवाइड करके वो घटाना चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है, रट्टे मत मारना कहीं पे भी। 18 को मैं 5 से डिवाइड करता हूं, तो 5 दिए 15, बचा कितना, 3। तो मुझे बताओ 18 में से ये रिमाइंडर घटा दूंगा तो क्या 5 से पूरा नहीं घट जाएगा। 18 में से 3 गए तो 15 जो बचा 5 से पूरा कटेगा ना, तो रिमाइंडर घटाने वाला होता है। लेकिन क्वेश्चन घटाने का नहीं पूछा था, क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए। तो जब जोड़ने की बात करता है तो यहां 4 की बजाय इसको एक ज्यादा नंबर पे चलाना है। एक ज्यादा पे चलाऊंगा तो 5 पे चलेगा, तो 5 7 35, 5 एकम 5, तो ये 535 बन गया। तो 535 और 483 का जो डिफरेंस है कितना है, 52, ये जोड़ा जाए। तो दो क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताए हैं, ध्यान रखना। तो 52 जोड़ा जाए, आंसर ऑप्शन नंबर 1। दिखा देते हैं, ये 3 पे चला था, ठीक है, अगर मैं 4 पे चला दूं तो 5 चौके 20, यहां पे 20 बनेगा ना, 20 बन गया तो कितना हो गया, 2 एक्स्ट्रा बच गया माइनस के, है ना। तो ये जोड़ दिया जाए, तो मुझे बताओ 18 में 2 जोड़ दूंगा तो 20 बनेगा और 5 से पूरा कटेगा, है ना। तो यही कह रहा था, इसमें क्या जोड़ दूं कि इसमें जोड़ने के बाद 107 से पूरा डिवाइड हो जाए, तो आंसर 52 करना था। ठीक है, आंसर ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। पानी को दूध में किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि प्राप्त मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ हो। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू मिल्क टू गेन 20% बाय सेलिंग इट एट द कॉस्ट प्राइस। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि पानी को दूध में मिलाना है, ठीक है, पानी को दूध में मिलाना है और मिश्रण को बेचकर 20% का प्रॉफिट होना चाहिए, तो 20% क्या होता है, 20/100, इसको कट कर दो कितना बनेगा, 1/5। इस परसेंट जो भी परसेंटेज दे रखता है उसको सोल्व कर दो और जो आएगा उसमें नीचे वाला पोर्शन मिल्क है, ऊपर वाला पोर्शन वाटर है। तो क्या कह रहा था, उसने पूछा था पानी को दूध में, तो पानी क्या है, 1, दूध कितना है, 5, तो 1:5 ऑप्शन नंबर 1 आंसर बनेगा। क्लियर है, यहां पे जो भी बोले, अगर यहां 20% की जगह बोलता 16 सही 2/3%, एक पानी को दूध में किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को खरीदने वाले रेट पे बेचने से इतने परसेंट का प्रॉफिट हो, तो आपने क्या करना है, इसका फ्रैक्शन बनाना है, 16 3 48 और 2 50/3, परसेंटेज के नाम का 100, कितना बन गया, 1/6, 1/6 तो मिल्क है 6, 1 है पानी, बस जो भी परसेंटेज है उसका फ्रैक्शन बना दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक निश्चित राशि का 4% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज एवं सरल ब्याज का अनुपात क्या होगा। The ratio of compound interest and simple interest on a certain sum at the rate of 4% per annum for 2 years is. अब देखो ये वाली टाइप भी कल बताई थी, याद करो क्या बताया था मैंने, मैंने एक ऐसा क्वेश्चन आया था तो ये चीज सिखाई थी तुम्हें, और मैंने कहा था ये पूरा ही आपका CI होता है। ठीक है, X कितना ले लें, 4, Y कितना ले लें, 4, तो पूरा ही आपका है CI, जिसमें से ये है आपका SI, तो CI क्या बनेगा, देखो 4 जमा 4 जमा 4 गुना 4/100 कितना बन गया, 8 जमा 16/100 यानी कि 8.16, 16/100 0.16 आएगा, तो इतना तो बन गया हमारा CI, ये आ गया CI। SI क्या बनेगा, SI के लिए सिर्फ ये पहले 2 लेते हैं, यानी कि 4 जमा 4 यानी कि 8। ठीक है, तो ये मैंने सिखाया था आपको, तो पूछ रहे चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज का अनुपात, तो CI और SI का रेशियो, तो ये है 8.16, ये है 8, पॉइंट हटाऊंगा तो 100 लगेगा, ये 100 इधर चला जाएगा, ये 816 बन गया, ये 800 बन गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसको काट देते हैं, 4 × 8 0 4 4 16, 4 × 8 0 0, फिर से 4 5 20, 4 1 4, 4 से 50 पे, तो आंसर कितना बन गया यहाँ पे, 51 50,
5150, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, क्लियर है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये आपका किसका है, पार्टनरशिप का है, साझेदारी का है, ठीक है, और स्पेशली मेंशन भी कर रखा उन्होंने पार्टनरशिप को, ठीक है, तो क्वेश्चन भी दिया है। यदि ए बी तथा सी ने 7:2, 4:3, 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया, 4 माह पश्चात ए ने अपनी पूंजी का 50% बढ़ा दिया, यदि वर्ष के अंत में कुल 21,600 रुपए का लाभ हुआ हो तो इस लाभ में से बी का हिस्सा कितना होगा। इफ ए बी एंड सी एंटर इन टू अ पार्टनरशिप विद शेयर इन द रेशियो दिस आफ्टर 4 मंथ, ए इंक्रीज हिज शेयर बाई 50%, इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 1 ईयर बी ₹21,600, देन बी शेयर इन द प्रॉफिट इज। अब देखो, इस पूरे टॉपिक का कंसेप्ट बता रहा हूं क्या, कि जो प्रॉफिट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, कौन कितनी अमाउंट को कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, बस ये है पूरे टॉपिक का कंसेप्ट, कि लाभ होगा जो पूंजी है और उस समय के प्रोडक्ट के ऊपर, इस पे डिपेंड करेगा। तो अब सबसे पहले तो जो एबीसी ने लगाई है पूंजी, उसको आपने सीधा रेशियो में बनाना है, 7:2, 4:3 और तीसरा कितना है 6:5, इसको एक सीधा रेशियो बना लो। सीधा रेशियो कैसे बनेगा, इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई करो, ये एबीसी है, ठीक है, तो एलसीएम कितना आ रहा है, 5 × 3 = 15, 2 = 30, 30 से सभी को पहले मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो 2 से कटा 15 पे 15 = 105, 3 से कटा 10 पे 10 = 40 और 5 से कटा 6 पे 6 = 36। तो सबसे पहले इस रेशियो को आपने ऐसा सीधा बनाना है, इसका मतलब ए ने इन्वेस्ट किए 105 रुपए, बी ने किए 40 रुपए, सी ने किए 36 रुपए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा यहां लिख के दिखा रहा हूं। अब ए के बारे में क्या कह रहे हैं, कह रहा है ए ने 4 महीने के पश्चात पूंजी में 50% बढ़ा दिया, तो ए ने लगाए कितने थे, 105 रुपए लगाए थे, ये 105 रुपए 4 महीने तक चले, देखो ए की अमाउंट और ए का टाइम ये लिख दिया मैंने, ये 105 रुपए 4 महीने तक चले, फिर इसने क्या किया 50% बढ़ा दिया, तो तुम मुझे बताओ 105 का 50% 50% निकाल लोगे ना, तुम ऐसे निकालते हो 50%, ऐसे निकाल लेना, देख लेना कैलकुलेट करके। मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल सी बात करता हूं कि भाई 105 का 50% क्या होगा, 52.5, कैसे, तो मुझे बताओ 100 का आधा 50, 5 का आधा 2.5, तो 52.5 रुपए हो गए ना, 50% मतलब 105 का आधा, यानी कि उसने कितने लगाए, 7, 1, 5, 1, 5, 7, 157.50, ठीक है, 157.50 रुपए, यानी कि उसने कर दिए 4 महीने के बाद, क्योंकि 4 महीने तक तो 105 थे, अब हो गए 157.5, और ये कितने महीने तक लगे रहे, ध्यान दो वर्ष के अंत में, यानी कि एक साल तक का बिजनेस था, तो ये पैसा 8 महीने तक लगेगा, 4 महीने तक तो ये रहा और 8 महीने तक ये रहा। अब बात करते हैं बी की, अच्छा बी ने कितने लगाए थे भाई, बी ने तो 40 रुपए लगाए थे, और इसके बारे में कोई बात नहीं है, तो इसका ये पैसा 12 महीने तक लगा रहा। सी की बात करते हैं, सी ने कितना रुपया लगाया था भाई, देखो सी ने लगाए थे 36 रुपए, और ये 36 रुपए भी 12 महीने तक लगे रहे, क्लियर है, जिसके बारे में कोई बात नहीं उसका पैसा 12 महीने तक लगा दो। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो 105 × 4 = 20, इसकी मल्टीप्लाई 8 से करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हटा दो 10 आ गया, 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10 और 2 से 4 पे कटा, ठीक है, 300 × 4 = 1260, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर दी ना इसके साथ, तो इसका टोटल कितना बन गया, इसका बन गया 0, 6 × 2 = 8, 2 × 4 = 6, 1680, ठीक है, इसका कितना बनेगा 480, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और इसका कितना बनेगा 12 × 6 = 72, 12 × 3 = 36 और 7 = 48, ठीक है, तो अब ये वैल्यू कट रही है तो काट देते हैं, देखो कैसे ये कट रहा है, 16 से कट रही है सारी वैल्यू भाई, आप छोटे नंबर से काट के भी आ सकते हो, 16 × 1 = 16, 16 × 0 = 16, 5 × 8 = 16, 30 पे कटेगा, 16 × 2 = 32 और 16 × 7 = 112, ठीक है, फिर 3 पे कट रहा है, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15, 3 × 10 = 9 3 × 9 = 10, और फाइनली आपको मिलेगा रेशियो किसका, प्रॉफिट का, किसका रेशियो मिलेगा, प्रॉफिट का, विच इज 35:10:9, यानी कि 35 इससे प्रॉफिट में से ये लेगा, 10 ये लेगा और 9 ये लेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे टोटल प्रॉफिट था कितना, 21,600 का जो प्रॉफिट है, इसमें से 35 ये लेगा, 10 ये लेगा, 45 और 9 कितना बन गया, 45 × 9 = 54, ठीक है, 54 हिस्से अगर मैं इसके कर देता हूं तो 54 से अगर मैं काटूंगा तो 400 पे पूरा कट रहा है,
है, 400 के 16, 400 के पूरा कट रहे, तो एक हिस्से की वैल्यू 400 है, तो पूछ रहा था बी का हिस्सा क्या होगा, तो बी के हिस्से के लिए 400 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर बनेगा 4000। अब देखते हैं कहीं ऑप्शन में लिखा है भाई, बिल्कुल लिखा है ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है जो मैंने आपको सिखाया, अगर इसका पूछे तो इसको 400 से मल्टीप्लाई कर देना, इसका पूछे तो इसको 400 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, बात आ गई समझ में। चलो ये कंसेप्ट है, इससे बाहर नहीं जाएगा, और स्पेशली मेंशन कर रखा था ये टॉपिक भी, ध्यान रखना उन्होंने बोला हुआ था इस टॉपिक के बारे में। एक आदमी 20% हानि पर एक वस्तु को बेचता है, यदि उस वस्तु को 12 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 20%, इफ ही सेल्स द आर्टिकल फॉर ₹12 मोर ही वुड हैव गेन 10%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज। अभी कल की क्लास में करवाया गया था, फर्क ये था वहां पे ये लॉस नहीं था, ये भी प्रॉफिट था, है ना। तो आप मुझे बताओ 20 का लॉस 10 के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब कितना डिफरेंस आया, 30% का, ठीक है। अब मैं समझा देता हूं, देखो 100 रुपए का सामान अगर 20% लॉस में बेचेंगे कितने का बिकेगा, 80 का, और 100 का ही सामान 10% प्रॉफिट में बेचेंगे कितने का बिकेगा, 110 का। तो 80 वाला सामान 110 का बिक रहा है, कितना डिफरेंस आया, 30 का। ये 30 बोलूं या 30% बोलूं बात सेम ही है, तो ये 30 का डिफरेंस किसकी वजह से आया, 12 रुपए की वजह से, तो 100% क्या होगा, परसेंटेज अच्छा नहीं लग रहा तो छोड़ दो, ठीक है। तो 1 की वैल्यू 12/30 और 100 की वैल्यू के लिए इनटू 100 कर दो, तो 3 से काटेंगे 4 पे कटेगा और ये आ गया 40, ठीक है, क्लियर है यहां तक बात। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे, कि पहले बेचा था 20% लॉस पे और फिर बेचा 10% प्रॉफिट पे, तो इनका जो डिफरेंस है -20 पीछे है और 10 इधर आ गया है, तो डिफरेंस कितना हो गया, 30 का हो गया, क्लियर है, तो इसलिए 30 आया। ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे, 20 लॉस में 100 का सामान 80 का बिकेगा, 10 प्रॉफिट में 100 का सामान 110 का बिकेगा, तो 80 और 110, 30 का डिफरेंस आया 12 रुपए बढ़ाकर बेचने की वजह, ठीक है। तो ये करना था, ऑप्शन नंबर 4 आंसर बनेगी। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, ये था एक खतरनाक, अदरवाइज तो बाकी पढ़ा रखा था आपको, ठीक है। ये एक बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ था यहाँ पे, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं ए की पावर 1/2, अगर नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूं, मैं यहां पे लिख भी देता हूं, दिस इज ए की पावर 1/2 प्लस ए की पावर -1/2, ठीक है, अपोन में 1 माइनस ए, और प्लस में दे रखा था 1 माइनस ए की पावर -1/2 अपोन में 1 प्लस रूट ए, ये क्वेश्चन था और ये हमें सोल्व करना था, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करना है अब एक बार समझ लेना ध्यान से। पहली बात तो 1/2, कल मैंने समझाया था कि अगर रूट लिखा हो 5 तो इसको पावर में 1/2 लिखते हैं, है ना, तो ऐसा लिखा हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, तो इस भाई साहब को कर देते हैं ऐसे। फिर मैंने कहा था माइनस वाली पावर जब भी होती है तो उसको 1 अपॉन करना पड़ता है, ठीक है, तो इसको 1 अपॉन ए की पावर 1/2 करेंगे और ये बनेगा 1/√a, क्योंकि ये रूट बन जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, दिस इज 1 अपॉन में √a, इसको छेड़ना नहीं है। इसी तरह इसको भी क्या लिखेंगे, 1 अपॉन में √a, ठीक है, क्लियर। और ये एलिमेंट्री अलजेब्रा करके जो लिखा था ना, स्कूल अलजेब्रा, उसमें तो आइडेंटिटी बताई हुई थी, पर ये तो और अच्छा पूछ लिया, वाकई में पीजीटी लेवल का पूछा ये, ठीक है, कोई बात नहीं, डरो मत। अब देखो ये ऊपर लिखा हुआ है, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, रूटे, रूटे इंटू रूटे क्या बनेगा, ए, प्लस में रूटे से रूटे कट गया तो ऊपर क्या आएगा, 1, ऊपर आएगा 1, ठीक है। मैंने क्या किया मैं बता देता हूं, रूट ए प्लस 1/√a का जो एलसीएम लेंगे, कैसे लेंगे, तुम ऐसे लोगे, मैं डायरेक्ट लिख भी देता लेकिन मैं समझा रहा हूं, 1 से काटा, रूट ए पे काटा, रूट ए इंटू रूट ए करेंगे तो ए बनेगा। जब दो रूट वाली सेम वैल्यू मल्टीप्लाई हो ना तो रिजल्ट ये आ जाता है, ठीक है, ध्यान रखना इसको, रूट ए से 1 पे काटा, 1 इंटू 1 ए, ये आ गया, ठीक है, तो ये बन गया। और नीचे क्या लिखा हुआ था, 1 माइनस ए, तो इसको मैं सोल्व करके इसको नीचे खिसका के लिख दे रहा हूं, इसको ना नीचे खिसका के, या तो तुम ऐसे लिखो, देखो इसका एलसीएम ये लिखा हुआ और नीचे वाला एज इट इज, तो इसको सोल्व करेंगे तो नीचे खिसक जाएगा, ये लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगी, तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो हमने इसको कर लिया सोल्व और ये आ गया आपका, ये सिमिलरली इसको भी करते हैं सोल्व, रूट ए इंटू 1 रूट ए, माइनस में 1 अपोन में रूट ए, और ये आएगा 1 प्लस रूट ए, ठीक है, ये तो आया हुआ समझ में, नहीं आया समझ में तो देख लो ऐसे, ये एलसीएम आ गया रूट ए, 1 से रूट ए, माइनस में रूट से कट गया 1, तो ये आ गया रूट ए माइनस 1, और अपोन में ये जो है इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये बात अगर समझ में आ गई तो अब यहां पे थोड़ी सी, इसको नहीं छेड़ते, इसको दिखाते हैं सोल्व करके।
आप देखो ये वन प्लस रूट ए लिखा है, इसको अगर मैं ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दूं तो क्या कुछ फर्क हो देगा? अरे तीन प्लस दो लिखूं या दो प्लस तीन लिखूं, बात तो बराबर है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ऐसे लिख दिया क्यों लिखा? ताकि मैं यहां पे रेशनलाइज कर सकूं। रेशनलाइज कैसे होता है? ये ए रूट ए प्लस वन दिख रहा है, तो इसको मैंने रूट ए माइनस वन लिखा, यहां भी रूट ए माइनस वन लिखा। जो प्लस वाला है इसी से ऊपर, प्लस का साइन चेंज करके माइनस से ऊपर, माइनस से नीचे, कल बताई थी ये बात, ठीक है। तो अब देखो ये क्या बन गया, दोनों सेम दिख रहे हैं तो क्या बन गया, रूट ए माइनस वन का होल स्क्वायर। ये भाई साहब तो एज इट इज रहेंगे, इनका कोई रोल नहीं था, लेकिन ये ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया, जो कि क्या होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको पूरे को ब्रैकेट में रखना है, क्यों रखना है, क्योंकि ये रूट ए बी के साथ में मल्टीप्लाई में था, ठीक है। अब ऊपर का स्क्वायर खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस के टू इंटू ए इंटू में बी अपोन में, ये नीचे रूट ए तो है ही, इसके स्क्वायर से रूट कटा तो क्या बना, ए माइनस में वन। क्लियर है यहां तक बात? अब इसको भी देख लो सोल्व करके, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये कितना बनेगा, ए प्लस वन माइनस टू रूट ए अपोन में रूट ए इंटू में ए माइनस वन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? यानी कि जो सेकंड पोर्शन था वो मैंने सिंप्लीफाई कर लिया और मेरे पास ये आगे सिंप्लीफाई करके, ठीक है। अब जो लेफ्ट वाला पोर्शन था इसमें इसको ऐड करेंगे, तो मैं इधर करके दिखा रहा हूं, ठीक है। ये पोर्शन क्या था, दिस इज ए प्लस वन अपोन में रूट ए इंटू में वन माइनस ए, क्लियर है ये, ठीक है। फिर ये वाला पोर्शन क्या था, प्लस में, ये प्लस लिखा हुआ प्लस में ये हमने सोल्व किया, तो दिस इज ए प्लस वन, ठीक है, ए प्लस वन माइनस में टू रूट ए अपोन में रूट ए इंटू में वन ए माइनस वन, ठीक है। अब यहां पे खास बात थी कि भाई हमने इसको तो ऐसे सोल्व करके लिख लिया, इसको हमने ऐसे सोल्व करके लिख लिया। अब यहां देखो ये इधर भी है इधर भी है, लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी एक को चेंज कर लेते हैं, या तो इसको चेंज कर लो या इसको चेंज कर लो। हम एक काम करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, कैसे, माइनस कॉमन ले लेते हैं। जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस को जाएगा, ये प्लस को जाएगा, ये बात मेरी याद रखना जो मैंने बताई, कि जैसे ही आप माइनस कॉमन लेते हैं तो जो अंदर वाले हैं उनके साइन पलट जाते हैं। देखो ये पहले प्लस का था, माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया, और ये वाला माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, माइनस बन, ठीक है, बात आई समझ में। अब एलसीएम देखो क्या बना, रूट ए वन माइनस ए, देखो रूट ए इस पे भी है इस पे भी है, वन माइनस ए यही तो लिखा हुआ है, तो ये बन गया एलसीएम। ऊपर वाला एज इट इज छाप दो माइनस में, इस ऊपर वाले को भी एज इट इज छाप दो, पर ध्यान देना मैंने क्या किया, मैंने यहां माइनस था तो ब्रैकेट लगा दी। ब्रैकेट क्यों लगा दी, क्योंकि माइनस सारे साइंस को चेंज कर देता है, ठीक है। माइनस जो है इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो सारे साइन को बदल देगा, इसलिए मैंने माइनस के साथ लिखा, ठीक है। तो अब ये बन गया ए प्लस वन, आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, माइनस का ए इस माइनस से ये माइनस का वन और इस माइनस से ये प्लस का दो रूट ए अपोन में, अपोन में क्या है, रूट ए इंटू वन माइनस ए, ठीक है। अब देखो ये प्लस का ये माइनस का कट गया, कट गया कि नहीं कट गया, ठीक है। इधर क्या बच गया, अब इधर क्या बचा, दिस इज वन माइनस वन, अरे भाई वन माइनस वन ये भी तो कट गया, ये भी कट गया, ठीक है। बचा क्या, टू रूट ए, ऊपर क्या बचा, दिस इज टू रूट ए अपोन में रूट ए इंटू वन माइनस ए, रूट ए से रूट ए भी कट गया, और बचा क्या, जो बचा वही है आंसर, टू अपोन वन माइनस ए। तो टू अपोन वन माइनस ए ऑप्शन नंबर चार में। तो ये दे रखा था एक क्वेश्चन जो दिमाग की एक्सरसाइज करवाता अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करना था, ठीक है, इतना आसान नहीं था, क्लियर। तो एक क्वेश्चन अगर ऐसा आ भी गया तो क्या आफत आ रही है, ठीक है। तो आपको बता दूं अभी हमने टोटल 11 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है, टोटल हमने 11 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं इसमें। तो क्वेश्चन जो है वो 10 से 11, तो अगर एक क्वेश्चन आपको नहीं भी आता तो 10 नंबर पे एटलीस्ट थे आपके, ठीक है। तो ये था आपका सेक्शन मैथ्स का, तो जिनका कल एग्जाम है उन सभी को मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक, ध्यान से करना, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट ये मस्ट है भाई, इसके बिना पेपर पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने टाइम बताया वो आप ध्यान से करें और आपका पेपर डेफिनेटली ठीक होगा, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर।